इंदौर में कोरोना टीकाकरण को लेकर नगर निगम पूरी तरह से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। शहर के रीजनल पार्क, चिड़ियाघर सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे डोज का प्रमाण पत्र निगम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इंदौर शहर स्वच्छता के साथ ही कोरोना टीकाकरण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में पिछले 3 दिनों से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत करीबन 2,10,000 शहरवासियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश को दूसरे डोज लगाए हैं। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि शहर में सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी सहयोग पूर्वक अभियान चलाया जा रहा है और उसी की सफलता के चलते 30 नवंबर से पहले 100% टीकाकरण किया जा सकेगा और कई संगठन द्वारा वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उनके बाजार में प्रवेश देने की मुहिम शुरू की गई है, जो कि एक काफी अच्छी मुहिम है। क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे लोगों का आना जाना जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि सिटी बसेस में कोई भी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको रोका टोकी होगी। उनको चढ़ने से पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उनसे सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। ये आवश्यक है क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप जा रहे हैं तो सेकेंड डोज को अब चूँकि ड्यू हुए हुए समय हो गया है, तो सभी लोग आवश्यक रूप से उसको लगा लें। इसके अतिरिक्त निगम ने आज से अपने रीजनल पार्क और जू में भी ये प्रबंध किया है कि बिना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के वहाँ प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ आते हैं जिन्होंने अपना सेकेंड डोज नहीं लगाया है तो उनको जाके पहले सेकेंड डोज लगाना होगा, उसके बाद ही वो प्रवेश पा सकेंगे। क्या मंदिरों में भी इस तरह के प्रावधान लागू किए जाएंगे? क्योंकि कई ये निर्णय इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इमरजेंसी कई तरीके की चीज़ें होती हैं और कई सारे एसोसिएशन ने खुद आगे बढ़कर अपने आप से ये निर्णय भी लिए हैं कि वो ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे या ऐसे लोगों की सुविधाएं नहीं लेंगे या सुविधाएं नहीं देंगे जिनका सेकंड डोज नहीं लगा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सभी एसोसिएशन ये चाहेंगे कि उनका जो आसपास का उनका खुद का वातावरण वो सुरक्षित रहे, उनके आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित रहे, तो ऐसे कई सारे निर्णय लगातार लोग ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि टीकाकरण महाअभियान में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग पाती है या नहीं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।